हेलो एवरीवन, सो हैप्पी कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, 8449905766 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी सारी करियर क्वेरीज सेंड कर सकते हो। एंड टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो भी हमारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, दे कैन मेल अस ऑन sarthak@planetstudy.in। एंड फॉर नाउ एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड, आई वेलकम यू ऑल टू द रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ अबाउट द यूनिवर्सिटी, कोर्सेज, टीचिंग मेथडोलॉजीज, फीस, प्लेसमेंट कंपनीज एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ अबाउट द यूनिवर्सिटी। MJPRU स्टैंड्स फॉर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। ये सेटअप हुई है 1975 में। पहले थी ये एक एफिलिएशन यूनिवर्सिटी, लेकिन 1985 में इसको कर दिया एफिलिएशन कम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। और 1997 के आसपास लगभग 10-12 ईयर्स के बाद रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का अपडेटेड नेम हो गया महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है बरेली में और लगभग 206 एकर्स में यूनिवर्सिटी का कैंपस सिचुएटेड है। अब जितने भी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों या फिर वो एफिलिएटेड कॉलेज के हों, वो साथ मिलकर मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं। और इन टोटल आज तक 49 प्रोजेक्ट्स जिनको फंड किया है UGC, AICTE, वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी के पास 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 29 गवर्नमेंट फंडेड एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और 108 सेल्फ फंडेड कॉलेजेस हैं। जो मेन फोकस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग। इस पर मेन फोकस है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर टीचिंग्स होती है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू। जितनी भी लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। कंप्यूटर हर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है। रेगुलर सेमिनार्स और पैनल डिस्कशन स्टूडेंट्स के लिए खासकर यहाँ पर कंडक्ट होते रहते हैं और प्रोजेक्ट वर्क भी स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम दिया जाता है उनकी एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। एंड फैकल्टी इंप्रूवमेंट के लिए रिफ्रेशर कोर्स एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। अब चलते हैं कोर्सेज सेक्शन की तरफ। यूनिवर्सिटीज में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, मतलब जिन कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, उन सब में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस MJPRU से एफिलिएटेड है। अब हम सारे कॉलेजेस की लिस्ट तो आपको बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूँ कहाँ कहाँ पर ये कॉलेजेस हैं, जैसे बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर और सारे डिस्ट्रिक्ट आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। कोर्स सिलेबस एक बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट, यहाँ पर एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें और सारा सिलेबस आप अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट नोटिफिकेशन फीस रिलेटेड वेबसाइट पर है 2012 का, मतलब 2012 के बाद फीस में कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर मैं आपको कुछ कॉमन कोर्सेज की फीस बताऊं तो BTech और BPharma की फीस है ₹65,000 पर ईयर, MCA की फीस है ₹40,000 पर ईयर और BEd स्पेशलाइजेशन की फीस ₹30,000 पर ईयर। बहुत सारे फैकल्टी ग्रुप्स और उन फैकल्टी ग्रुप्स का डिपार्टमेंट बेस एक अच्छा क्वालिटी में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। डिपार्टमेंट बेस में एक चेयरपर्सन होता है जो सारे की सारी टीम मिलकर अपॉइंट करते हैं और ये डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकेडमिक एडमिशन के लिए और कोर्सेज कंडक्ट करने के लिए। इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट, इनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं फैसिलिटीज की तरफ। हॉस्टल, कैफेटेरिया, इंडोर रूम, स्पोर्ट्स रूम और डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होती। बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे IEEE, ACM एंड RTC। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रेगुलरली स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होते रहते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो प्री प्लेसमेंट टॉक्स, सेमिनार्स एंड एक्सपर्ट लेक्चर्स, और एक्टिविटीज की बात करें तो प्लेसमेंट ड्राइव, इंटर्नशिप ड्राइव और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होती रहती है। स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप सेशन भी रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एनहांस हो सके। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो TCS, विप्रो, रेलिगेट, टाटा, जस्ट डायल, ये सारी कंपनीज रेगुलरली कैंपस में विजिट करती हैं डिफरेंट फील्ड्स में जॉब प्रोवाइड करने के लिए। इस सब के अलावा एक स्पेशल प्रोग्राम भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है, दैट इज TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है क्वालिटी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में प्रोवाइड करने के लिए। जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उनको ज्यादा डिमांड
ड्रिवन और क्वालिटी कॉन्शियस बनाने के लिए प्रोग्राम रन किया जाता है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड लो इनकम स्टेट्स इन प्रोग्राम का मेन फोकस है। कुछ की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंट्रैक्शन सेल स्टैब्लिश किया गया है स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। समर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के लिए भी करियर काउंसलिंग सेल स्टैब्लिश हुआ है। फैकल्टी के लिए वेरियस सेमिनार्स वर्कशॉप्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, पीयर लर्निंग ग्रुप्स फॉर्म होंगे एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स स्टूडेंट्स को सिखाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक रिफॉर्म भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। वेबसाइट पर एक सेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट कॉर्नर। वहां पर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे, जैसे ग्रीवेंस सेल, स्पोर्ट्स नोटिस, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, ये सारी डिटेल आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। डिफरेंट पेजेस जैसे एंटी रैगिंग कमेटी रेगुलेशन रिपोर्ट, रिसर्च सेल और ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारे पेजेस भी आपको वेबसाइट पर अपडेटेड मिलेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप MJPRU से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर अभी भी आपकी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर किसी का कोई करियर रिलेटेड डाउट है वो भी आप कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। और हम सब मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।